हाय गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल ग्लैम योर फेस एंड आई एम दीपिका। कैसे हैं आप सब लोग? तो ऑब्वियसली टाइटल देख के आप समझ ही गए होंगे कि आज मैं आप लोगों के साथ क्या शेयर करने वाली हूँ। सो सूरत में मिनीसो के 3 आउटलेट्स ओपन हो चुके हैं, तो 2 पर मैं ऑलरेडी जा चुकी हूँ और 1 आउटलेट है वहां मेरा जाना बाकी है। सो यहाँ पर मैंने एक चीज नोटिस की कि कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे थे जो 1 आउटलेट पे थे वो दूसरे आउटलेट पे नहीं थे। सो मैंने सोचा कि चलो मुझे सब जगह घूम लेना चाहिए, उसके बाद मैं अपने सारे प्रोडक्ट्स जो है वो कलेक्ट कर लूंगी एंड उसके बाद मैं आप लोगों के साथ हॉल शेयर करूंगी। तो जैसे आपको पता ही होगा कि 1 आउटलेट पर मैं अपने बर्थडे के दिन गई थी और दूसरे आउटलेट पे मैं कुछ 2 या 3 दिन के बाद गई थी। सो यहाँ पर मैं आपको प्रोडक्ट्स जो बता रही हूँ वो मैं दोनों आउटलेट्स के एक साथ बता रही हूँ। सो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये है मेरा मिनीसो का परचेजिंग बैग। सो सबसे फर्स्ट प्रोडक्ट जो मैंने परचेज किया है वो है ये ब्यूटी ब्लेंडर्स और इसकी कॉस्ट है ओनली 250 रुपीज। गाइज कैन यू बिलीव इट, ओनली 250 रुपीज में आपको 3 ब्यूटी ब्लेंडर्स मिल रहे हैं और इसकी क्वालिटी इज ओ माई गॉड अमेजिंग। लाइक यू शुड ट्राई इट वंस। अगर आप बिगनर्स हैं और अगर आप ब्यूटी ब्लेंडर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इन ब्यूटी ब्लेंडर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक्सट्रीमली सॉफ्ट है एंड मुझे सच में ये ब्यूटी ब्लेंडर्स बहुत बहुत पसंद आए। अगर किसी प्रोडक्ट का आप डिटेल रिव्यू देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं उसका डिटेल रिव्यू आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैंने परचेज किया है वो है ये बॉटल एंड सिप बॉटल बोल सकते हो, कुछ भी बोल लीजिए। सो ये बॉटल मैंने अपने लिए परचेज की थी एक्चुअली में, लेकिन बॉटल लाने के बाद ये बॉटल रेहान को काफी ज्यादा पसंद आई है और वो इसमें पानी पी लेता है, कभी अच्छा लगता है। बहुत ही यू नो फैंसी चीज होती है ना, तो बच्चे बहुत जल्दी से अट्रैक्ट हो जाते हैं। इसकी कॉस्ट थी 250 रुपीज। अगेन नेक्स्ट मैंने परचेज किए हैं मिनीसो से सॉफ्ट कॉटन पैड्स एंड ये 180 शीट्स है, 180 पैड्स हैं एंड इसकी कॉस्ट थी 150 रुपीज। सो वहां पर आपको काफी सारे वेरिएंट्स मिल जाएंगे इसके, लाइक कॉटन पैड्स के, मेकअप रिमूवर के, बहुत बहुत सारे वेरिएंट्स हैं। तो आप अपनी चॉइस के हिसाब से जो परचेज करना चाहते हो बहुत आराम से कर सकते हो एंड आई लव्ड इट के 150 में आपको 180 शीट्स मिल रहे हैं। नेक्स्ट इज दिस मिनीसो कंप्रेस्ड मास्क शीट एंड इसमें आपको 30 पीसेस के मास्क शीट्स मिलते हैं और अंदर आपको एक छोटा सा बाउल भी मिल रहा है और इसकी कॉस्ट थी 150 रुपीज ओनली। गाइज मैंने ज्यादातर बहुत चीजें उठाई है वो 150 रुपीज की ही थी और ये मैंने इस वजह से भी लिया है कि कभी आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं और आप यू नो मास्क लेके, ऑब्वियसली मार्कशीट्स जो होती है वो आप लेके नहीं जाएंगे, तो ये बहुत कंफर्टेबल हो जाता है, बहुत इजी टू कैरी एंड इजी टू यूज है। तो मुझे लगा कि ये मुझे एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए, सो इस वजह से मैंने इसे लिया है। इसका मैं डिटेल रिव्यू आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी बिकॉज मैं खुद बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इसे यूज करने के लिए। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैंने परचेज किया है वो है ये आईब्रो पेंसिल टू क्रिएट 3D आईब्रोज एंड इसमें जो मैंने शेड किया है परचेज वो है आई थिंक ब्राउन या लाइट ब्राउन कलर एंड इसकी प्राइस है 250 रुपीज। तो इसमें आपको एक साइड पे शेप करने के लिए मिलेगा और दूसरी साइड पे छोटा सा यानी आउटलाइनिंग करने के लिए पेंसिल मिलती है, तो मुझे ये पेंसिल बहुत पसंद आई। अब आप सोचेंगे पैक है तो मुझे कैसे पता कि एक तरीके से ये मिलता है, तो ऑब्वियसली वहां पे टेस्टर्स थे तो मैंने टेस्टर यूज करने के बाद ही इसे परचेज किया। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैंने परचेज किया है वो है ये डिओडेंट बॉडी स्प्रे एंड दिस इज इन द फ्रेग्रेंस एंड चेंट एंड दिस इज नॉन गैस डिओडेंट एंड अगेन 150 रुपीज ओनली एंड क्वांटिटी आप देख सकते हो 150 ml की क्वांटिटी मिल रही है आपको, उससे ज्यादा और क्या चाहिए। लाइक आई वॉज इन लव विद दिस। वहां पे और 4-5 फ्रेग्रेंसेस थे बट मुझे सबसे ज्यादा यही अच्छा लगा। जो चीज है वो बहुत ही अच्छी है और बहुत ही क्यूट सी है। सो नेक्स्ट मैंने मिनीसो से ये रेहान के लिए टूथ ब्रश परचेज किए हैं, मुझे बहुत ही क्यूट लगे थे ये टूथ ब्रश एंड इसकी कॉस्ट है 190 रुपीज ओनली एंड इसमें आपको 3 पेयर्स मिलती है और तीनों ही कलर बहुत ही ब्यूटीफुल है एंड ब्रशेस के ऊपर छोटे छोटे से यहाँ पे कार्टून्स बने हुए हैं, तो यू नो खुश हो जाएगा रेहान जब यूज करेगा। तो मैंने अभी तक उसे दिखाया नहीं था बिकॉज मुझे ऑब्वियसली हॉल शेयर करना था, सो अब मैं उसको दिखाऊंगी तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा इसे देख। नेक्स्ट मैंने मिनीसो से ये 2 शीट मास्क भी परचेज की है एंड ये है ऑरेंज ब्लॉसम एंड ये है रोजमेरी। सो ये रोजमेरी जो है वो है बैलेंसिंग मास्क एंड जो ऑरेंज ब्लॉसम है वो है इंटेंसिव रिवाइटलाइजिंग मास्क जो आपके फेस को बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज एंड हाइड्रेटेड रखेगा और इनकी कॉस्ट थी समथिंग अराउंड 60 रुपीज आई गेस, यस 60 रुपीज। सो 120 में मुझे 2 मास्क मिले हैं, सो
आई थिंक 60 रुपीज के मास्क इज क्वाइट अफोर्डेबल. सो नेक्स्ट मैंने परचेज किया है मिनीसो का ये परफ्यूम, एंड ये बहुत ही छोटा सा एंड क्यूट सा परफ्यूम है. चलिए मैं इसे ओपन करके एक बार दिखाती हूँ आपको बॉटल कैसी लगती है. बॉटल कुछ इस टाइप की है एंड आप देख सकते हो दिस इज सो क्यूट एंड 250 रुपीज की है, लेकिन इसकी फ्रेग्रेंस ओ माई गॉड. आप सीरियसली गाइज इसे बहुत ही ज्यादा हाई क्वालिटी के या हाई ब्रांड के फ्रेग्रेंसेस के साथ कंपेयर कर सकते हो. इज सुपर्ब गाइस, सुपर्ब. सो अगर आप बजट में और कुछ अच्छा लेना चाहते हो ना, आप इसे एक बार जरूर ट्राई करना. आई एम श्योर आपको बहुत पसंद आएगा. बट लास्ट एंड फाइनल प्रोडक्ट जो मैंने परचेज किया है वो है ये रेजर. सो ये है आईब्रो रेजर. सो मैं ये आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ पे मैंने एक चीज नोटिस की कि जो VR मॉल में और जो दूसरी जगह पर मैं गई थी, यानी दो मिनीसो शॉप पे मैं गई थी, तो वहां पे रेजर्स की जो वेराइटी है वो काफी अलग अलग थी. जो फर्स्ट शॉप थी वहां पे कुछ अलग वेराइटीज थी, जो दूसरी शॉप थी वहां पे कुछ अलग वेराइटीज थी. तो जरूरी नहीं आप जब जाएं तो आपको ये सेम मिलेंगे. हो सकता है आपको आईब्रो रेजर्स वाले वो छोटे छोटे वाले दो रेजर्स होते हैं वो मिल सकते हैं. तो काफी वेराइटीज है, आप अपनी चॉइस के हिसाब से परचेज कर सकते हैं. सो मुझे ये वाला काफी पसंद आया. ऑब्वियसली आप देख सकते हो इसे मैं ओपन कर चुकी हूं एंड एक रेजर मैंने यूज कर भी लिया है. मैं बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पा रही थी कि मैं वहां तक भी वेट करूं. तो बहुत ही अच्छा है, ग्रिपी बहुत अच्छा है एंड आप ओपन करके देखेंगे तो ये आप देख सकते हो एक्सट्रीम शार्प रेजर्स है ये. सो अगर आप बिगनर्स हैं और अगर आपने कभी भी अपने आईब्रोज या अपने फेशियल हेयर्स शेव नहीं किए हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप डायरेक्ट इन रेजर्स को यूज मत करिएगा, बिकॉज आप 110% अपने आप को कट कर लोगे. सो पहले अगर आपने नहीं यूज किया है और अगर आप नए यूज करने वाले हैं तो मैंने आपको पहले एक ट्विंकल के रेजर्स दिखाए थे, वो यूज करना बिकॉज वो इतने शार्प नहीं है. तो ऑब्वियसली आप कट्स नहीं करोगे अपने आप में, कट डायरेक्ट इसे यूज कर रहे हो तो यू हैव टू बी एक्सट्रीम केयरफुल बिकॉज ये बहुत ज्यादा शार्प है गाइज. मतलब लाइक सच में बहुत ज्यादा शार्प है. और यस इसकी कॉस्ट भी है 150 रुपीज ओनली. सो दैट मीन्स 50 रुपीज इंच रेजर का हुआ. एंड फाइनल प्रोडक्ट जो है वो थोड़ा एक्सपेंसिव है और मेरे दिल के थोड़ा सा करीब भी है, बिकॉज हम जब लेने गए थे ये, तो ऑब्वियसली मैं ये लेने नहीं गई थी, बट मेरा बर्थडे गया था और उन्होंने मुझे थोड़ा सा इंसिस्ट किया कि देखो तुम्हें इस चीज की जरूरत है तो तुम ले लो, ये मेरी तरफ से तुम्हें छोटा सा बर्थडे गिफ्ट है. सो नेक्स्ट मैंने जो है वो ये हेडफोन्स परचेज किए हैं. सो दिस आर वायरलेस हैंडसेट्स, लाइक बहुत ही अच्छे ब्लैक कलर के हैं ये. और ट्रस्ट मी गाइज इसकी जो क्वालिटी है ना वो बहुत ही अमेजिंग है. तो ऑब्वियसली मैं आपको इन डिटेल इसका भी रिव्यू करके दूंगी, तो मैं आपको जस्ट एक झलक बता देती हूँ कि ये एक्चुअली में कैसे दिखते हैं. तो ये कुछ इस तरीके के दिखते हैं एंड इनके जो ये कुशन्स है ना अमेजिंग, लाइक ओ माय गॉड दीज आर सो कंफर्टेबल, अमेजिंग. तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं ये भी एंड इसकी प्राइस है 1390 रुपीज, यानी ऑलमोस्ट 1400 रुपीज. सो 1400 रुपीज के मैंने ये परचेज किए हैं. ऑब्वियसली थोड़े से कॉस्टली है, बट ऑब्वियसली वायरलेस है तो थोड़े से कॉस्टली होंगे ही एंड क्वालिटी इज अमेजिंग, लाइक वर्थ है. अगर आप इतने पैसे खर्च कर रहे हो तो आपको उसके सामने क्वालिटी मिल रही है. Yes, guys, यही था मेरा आज का वीडियो. आई होप आपने मेरा छोटा सा मिनीसो हॉल इन्जॉय किया होगा एंड आपको इसमें से कुछ प्रोडक्ट्स पसंद आई गए होंगे. सो अगर आप कोई भी प्रोडक्ट का डिटेल रिव्यू देखना चाहते हो प्लीज मुझे कमेंट जरूर से करिएगा, मैं बहुत खुशी उसका रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करूंगी. सो चलिए आज के वीडियो को करती हूँ यही खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड. बाय गाइस.